हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इतने दिनों से आपकी जो एसएससी की जीडी की आंसर की नहीं आ रही थी, उसके पीछे का जो रीजन था वो यहाँ पर एसएससी ने रिवील कर दिया कि क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आज की डेट में एसएससी की ऑफिशियल न्यू वेबसाइट है, यहाँ पर आज की डेट में मार्च 20 में इंपॉर्टेंट नोटिस कॉन्स्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 री एग्जाम आपका होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ इन्होंने बोला हुआ है। तो यहाँ से हम चलिए इस पीडीएफ को वॉच कर लेते हैं कि क्या उन्होंने बोला हुआ है। ये पीडीएफ की जो लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम पर डाल दी, वहां से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, टेलीग्राम का नाम है द एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट नोटिस। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन, ठीक है, एग्जामिनेशन जो 2024 वॉज कंडक्टेड बाय द कमीशन फ्रॉम 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक होता। हाउएवर ड्यू टू द वेन्यू स्पेसिफिक टेक्निकल रिस्पॉन्स नोटिस्ड इन द रिव्यू ऑफ अपोर्सेट एग्जामिनेशन, यानी कि उसमें कुछ टेक्निकल रिव्यू आए थे जो कि एसएससी को सुनने में आया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अ नीड हैज बीन फेल्ड टू होल्ड री एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द सर्टेन वेन्यू एंड डेट शिफ्ट। द लिस्ट ऑफ सच वेन्यूज अलॉन्ग विद द डेट शिफ्ट ऑफ द एग्जाम इज अटैच्ड एज एनेक्सर, यानी कि इनको ऐसी नीड पड़ी है कि जिनका भी मतलब खराब हुआ था एग्जाम का, री एग्जाम भी कराने वाले हैं, तो उसके लिए वेन्यू डेट वगैरह इन्होंने नीचे दे दिए। इन व्यू ऑफ द अबव द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन ऑन 30 मार्च 2024। तो 30 मार्च को आपका री एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, फॉर दोस कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑन द डेट्स वेन्यू शिफ्ट मेंशन्ड इन द लेक्चर। किस किस का होगा री एग्जाम, ये भी आपको इंपॉर्टेंट जानना है। जो इन्होंने नीचे डेट देखी है उस डेट में जितने बच्चे प्रेजेंट थे, ठीक है, उस डेट में जितने बच्चे प्रेजेंट थे उन्हीं का यहाँ पर री एग्जामिनेशन लिया जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कमीशन रेगुलरली, ठीक है। तो कौन कौन से जो बच्चे हैं इनका री एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे जाएंगे तो यहाँ से देखिए एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पर कैंडिडेट ऑफ सिटी जीडी एग्जाम 2024 और री एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर वेन्यू का नाम है कि कहाँ पर आपका जो री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। रीजन सीआर है, सिटी कानपुर है, और डेट 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट में 126 जो कैंडिडेट थे प्रेजेंट थे, और सेंटर का नाम यहाँ पर आपका पेपर हुआ था, ठीक है। जिन जिन कैंडिडेट का इस सेंटर पर पेपर था 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट में, टोटल 126 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर री एग्जाम होगा। इसी तरीके से एक यहाँ पर ही 7 मार्च की फोर्थ शिफ्ट में 132 से इनका भी री एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पे आप शिफ्ट वगैरह देख सकते हैं अपनी, इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट दे रखिए। जैसे हम लास्ट देखें, हर किसी में 200, 250, 300 बच्चे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 331, 300 है ना, 43 बच्चे भी यहाँ पर आपको देख रहा हूँ, डिजिटल जोन जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। तो इस तरीके से देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 81 शिफ्ट में 16,185 बच्चे ऐसे पाए गए हैं जिनका जो एग्जाम में दिक्कत हुई थी और उनका री एग्जाम यहाँ पर लिया जाएगा 30 मार्च को, ठीक है। तो अपनी डेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये नोटिस आपको कहाँ देख सकते देखने को मिलता है। तो देखिए ये मेरे टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, देखिए क्या लिखा है द एग्जाम हेल्पर, ठीक है। ये आप टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च मारेंगे तो आपको द एग्जाम हेल्पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने नीचे आपको दिखाया था, नोटिस डाल दिया, ये देखिए एसएससी सीटी जीडी 2024 री एग्जाम नोटिस, ठीक है। तो जाइए ले लीजिए, और इसके रिगार्डिंग न्यू अपडेट जो एडमिट कार्ड वगैरह, नए एडमिट कार्ड जब आएंगे तो मैं आपको पूरी अपडेट दे दूंगा, ठीक है, ऐसी वेबसाइट पर आपको मिलेंगे एसएससी की। तो जैसे आएंगे मैं सारी अपडेट दे दूँ, तो उसके लिए चैनल पर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।